यहाँ पे अब हम लोगों ने टॉपिक्स वाले सारे पढ़ लिए थे कि जनरल क्या चीज़ है, रूट क्या होती है, इससे क्या होता है, लीफ क्या होती है, इन सब का जनरल हम लोगों ने व्यू पूरा ले लिया है कि इसके मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होते हैं, क्या होता है, ये पिछली वीडियो में हम लोग पूछ पा रहे। अब बात करेंगे यहाँ पे कि रूट क्या है, एक एक पॉइंट डिटेल और रूट के कितने मॉडिफिकेशन। देखिए थोड़ा एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाएंगे, एनसीईआरटी के बाहर भी कुछ चीज़ें बताएं क्योंकि ये अक्सर पूछ ली गई थी पहले, आगे अगर ये पूछ रहती है फिर भी हम थोड़ा बहुत बताएंगे। आपने अगर एक सीड देखा, डाइकॉट सीड या मोनोकॉट सीड, तो सीड में एक तुम्हारे एयर एक्सेस एम्ब्रियोनल एक्सेस है और उसके दो कोऑर्डिनेटर्स, अगर मान लो डाइकॉट है तो उसके दो कोऑर्डिनेटर्स होंगे, एक एम्ब्रियोनल एक्सेस और उसके दो कोऑर्डिनेटर्स होंगे। ये हमने कुछ इस तरीके से आपको बताया था कि सीड कुछ इस तरीके से होता है, दो कोऑर्डिनेटर होंगे, एक एम्ब्रियोनल एक्सेस है, इसमें ये पार्ट प्रीम्यूनल, ये पार्ट प्रेडिकल। ये दो कोऑर्डिनेट्स, ये वन है कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट्स हो गए तो डाइकॉट, अगर एक कोऑर्डिनेट होता तो मोनोकॉट, मोनोकॉट सी ही आप मुझे देखो थोड़ा सा वहां से लेके चल रहे हैं कि रूट्स बन बना सके। इसमें ये प्रिम्यूल होता है, ये रेडिकल होता है, ये प्रिम्यूल हो गया, ये रेडिकल हो गया, ये एम प्रिम्यूल के ऊपर, ठीक है, और प्लूमूल के नीचे प्रोटेक्टिव शीट होती है, पोलियो टाइल और पोलियो आइसा, और ये इसका एक सिंगल कोऑर्डिनेट होता है ये वाला पार्ट, और इसे हम इस पैरल पे देते हैं, ये मोनो पार्ट से हो गया, एक पार्ट मोनो पार्ट हो गया। प्लूमूल से जो अराइज होता है उसे कहते हैं स्ट्रेट, और जो रेटिकल से अराइज होता है उसे कहते हैं, ये बात पता है। सीड जब जनरेट करता है आपने चने को पानी में भिगा दिया, चने सीड को पानी में भिगाते हैं तो क्या होता है, धीरे से उसमें से इस तरीके से एक चना है, मान लीजिए यहाँ से एक स्ट्रक्चर ऐसे, और इस स्ट्रक्चर से ही नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो रूट्स बन जाएगी, ऊपर की तरफ वाले से स्टेम बन जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर यहीं से तो निकल रहा है, तो इसके रेडिकल से क्या बन रहा है, रूट बन रही है, ल्यूमिन से इसमें क्या बन रहा है, स्टेम। क्लियर? सीड जब जर्मिनेट होता है तब रूट्स, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, एक तो ये हो गई कि भाई जो रेडिकल से निकल गई, और ये कैसी हो गई जो रेडिकल के अलावा कहीं और से निकल सकती है, ठीक है, दो तरीके अभी बता रहा है। तो जो रेडिकल से निकल रही उस पे भी फर्दर दो पार्ट, एक होती है टैप रूट सिस्टम, टैप, दूसरी होती है फाइब्रस और तीसरी होती है एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस। तीन तरीके की रूट, टैप रूट उसे कहते हैं जब आप एक रूट निकले, मूली देखी एक रूट निकले उसके साइड से ब्रांचेस निकले रूट्स, लेटर ब्रांचेस, तो ये तो हो गई प्राइमरी रूट, इससे जो निकल रही है वो कहलाएगी सेकेंडरी रूट, और उससे भी निकल जाएगी आगे, ये पूरा एक टैप रूट सिस्टम, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी और तीन तरीके की रूट्स, यानी एक मेन रूट है उससे लेटरल ब्रांचेस निकल रही है, रूट्स की ब्रांचेस निकल रही है, ऐसा समझना, एक मेन रूट हो गई और उससे ये ब्रांचेस, तो इस तरीके का रूट सिस्टम क्या कहलाएगा, टैप रूट सिस्टम कहलाएगा। व्यास देखा, फीट देखा, फीट में ब्रांच नहीं देखा, तो व्यास को देखिए, आपने व्यास में देखा होगा कि ये व्यास का ये बल्ब है, और यहां से ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ठीक है, व्यास में जो स्टेम होता है
पूरा सिस्टम कैसा हो गया, डिसीजन। इस सिस्टम में जो मेन रूट थी, मेन रूट जो थी ये वाली, ये खत्म हो गई, और इसकी जगह पे सिस्टम के जस्ट नीचे से रूट्स का एक पूरा गुच्छा मिल गया, यानी टैप रूट को रिप्लेस कर दिया इस गुच्छे, निकला सिस्टम के नीचे से। तब इसे हमने क्या कर दिया, फाइबरस स्टेम के नीचे से ही निकलेगा और टैप रूट को रिप्लेस कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों रेडिकल से बन रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर मैंने बर्गर मैंने ट्रीटमेंट कर लिया, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास की थी आपकी, उसमें बताया था कि पेड़ की जो ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस से रूट लाइन स्ट्रक्चर लटके हुए से जो आगे की तरफ जाके इन्हें सपोर्ट का एक काम करते हैं, नीचे जमीन पे धसाएंगे स्टेम पे जैसे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कहीं और से निकले, रेडिकल को छोड़ के अगर रूट्स कहीं और से निकल रही हैं तो उसे क्या कहते हैं, एडवांटेजेस। कोई दिक्कत नहीं, जरा सी भी नहीं। तो रूट कितने टाइप की हो गई, तीन टाइप की हो गई। टैप ये किस में मिलेगा, बीच में, ठीक है। तो आपको ज्यादातर मिल जाएगी, देखिए आपने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था तो वहां आपने एक आसपास पर किया टैप रूट सिस्टम ही होता है जिम्नोस्पर्म में, रूट्स का टैप रूट सिस्टम मिलेगा जिम्नोस्पर्म में, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एंजियोस्पर्म, बहुत सारे एंजियोस्पर्म में मिलेगी टैप रूट सिस्टम, जितने बड़े प्लांट होंगे उनमें टैप रूट सिस्टम ही मिलेगा, ठीक है। और एडवांटेजेस रूट्स टैप रूट के अलावा भी कुछ प्लांट्स में रूट्स लगा जाती है जो स्टेम से निकल रही है, कई ब्रांच से निकल रहे हैं, रूट्स में भी टैप रहे हैं रोगी पर, देख वो टैप गैनियर में भी तो होती है टैप, यानी हां नीचे जो मेन रूट होगी इसकी वो तो टैप रूट होगी, लेकिन उसके अलावा जो कहीं और से निकल रही है, स्टेम से निकल रही है या ब्रांच से निकल रही है, उसे क्या कहते हैं आप, एडवांटेजेस। यानी ये वाली कौन सी होगी एडवांटेजेस, तो यहां कौन सी होगी टैप रूट, नहीं समझे बात को। बीट में तुम्हें देखने को मिल जाएगी फाइबरस रूट, फाइबरस रूट कौन सी, जब टैप रूट को रिप्लेस कर दिया जाए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन निकले कहां से, स्टेम के नीचे से, ये नहीं है स्टेम के जो है तब से क्लियर हो गया। रूट्स के टाइप समझ में आ गए, कितने टाइप की होती है, ठीक। कोई दिक्कत जब ग्राफ्टिंग में होता है स्टेम से नीचे जाती है, ग्राफ्टिंग होती है, हां हां वो एडवांटेजेस ग्राफ्टिंग जब आप कर रहे हो, हां तो ग्राफ्टिंग जब आप कर रहे हो तो आपने क्या करा, आपने ब्रांच ली और ब्रांच को जमीन के अंदर गाड़ दिया, ठीक है, और फिर यहां से रूट्स अपने आप से फिर ब्रांच से निकले। कभी कभी क्या होता है, आपने प्लांट लिया ग्राफ्टिंग टाइप होता है, ग्राफ्टिंग हवा में भी हो जाती है, आप मिट्टी लगा देते हो उसके आसपास और उसमें खाद वगैरह डालते हो, हल्का हल्का पानी डालते रहते हो, तो यहाँ से रूट्स निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये भी रेडिकल से तो नहीं निकल रही ना, रेडिकल वो पॉइंट है जो सीड में, सीड से तो नहीं अराइज हो रही है ना, क्लियर हो गई बात है। हाँ ये टाइप्स ऑफ रूट तो खत्म हो गया, ठीक। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब रूट के कुछ रीजंस की बात करते हैं और यहाँ से आपके कुछ नए नए नाम शुरू हो जाएंगे एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है। रूट्स में यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर पूरा बना दिया है जिसमें क्या है, अगर आप को पार्ट्स जोनेशन करें, रूट्स के पार्ट्स का जोनेशन करें, तो सबसे नीचे रूट क्या है, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, रूट क्या है ये प्रोटेक्टिव, भाई आपकी रूट जो है वो ये जमीन में अंदर की तरफ रूट जा रही, तो ये जमीन के पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स, जैसे बोल सॉइल पार्टिकल से टकराई डैमेज नहीं हो जाएगी, तो डैमेज से बचाने के लिए यहाँ क्या होता है, कैप लगी होती है और ये रूट कैप से बचा है। इसके ऊपर जस्ट ऊपर जो अगला जोन शुरू होता है, ये जोन है जोन ऑफ फॉर्मेशन, यानी मेरिस्टेमेटिक जोन। आपने पढ़ा है कि टिश्यूज दो तरीके के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिसमें लगातार डिवीजन होता है, यानी यहाँ लगातार सेल डिवाइड होती रहेगी, ये भी बड़ी होता ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ होती हैं, लाइक मेरिस्टेमेटिक
एक्सेल में आपके रेक्यूल बड़ी बड़ी नहीं मिलती है, स्टोरेज बहुत कम रहता है, लगातार डिवाइड हो रही तो फूड वगैरह क्यों स्टोर करेंगे, लगातार डिवाइड होते रहते स्टोरेज कम मिलता है। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन बी से कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन बी कह देते हैं, यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है नई सेल से। अब इसके जस्ट ऊपर की तरफ पड़ेंगे तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन, नई सेल्स बन गई है तो क्या होगा, परमानेंट की तरफ जाएंगे और सेल्स इलॉन्गेट लंबी होगी, तो जोन ऑफ इलॉन्गेशन। और इसके जस्ट ऊपर की तरफ आप देखिए रूट हेयर्स निकल रहे हैं, तो जो रूट हेयर निकल रहे हैं इसे कह देते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये कौन सा जोन है, जहां से रूट हेयर निकल लगे वो जोन ऑफ मैच्योरेशन है, कि आपकी रूट जो है वो कैसी हो गई, वो मैच्योर हो गई। ठीक, समझ में आई बात या नहीं, कोई दिक्कत इसमें? ये तो पूरा समझ में आ गया कि जोन ऑफ इलॉन्गेशन में सेल्स जो होती हैं वो ठीक वर्ड हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। ठीक, ये सारी बातें इसमें हो। जोन ऑफ मैच्योरेशन में आपने कहा कि रूट हेयर मिलने लगता है, क्या मिलने लगता है, रूट हेयर। रूट हेयर को हम ट्राइकोब्लास्ट भी बोलते हैं, जब याद रखिए ट्राइकोब्लास्ट, ट्राइकोब्लास्ट ये रूट हेयर का दूसरा नाम, नहीं लिखा है एनसीईआरटी में ट्राइकोब्लास्ट। ठीक है, इसके अलावा जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है वो पढ़ रहा है। मल्टीपल रूट कैप्स, अगर आप रूट कैप की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो एक ही रूट कैप मिल रही है, इन जनरल आपको एक रूट कैप मिल रही है, लेकिन रूट कैप मल्टीपल मिलने लगे, बहुत ढेर सारी रूट कैप मिलने लगे एक साथ ही, नीचे गुच्छा बना हो रूट कैप्स का, वो किसमें मिलेगा, पेंडेलस स्क्रूपाइन एग्जाम्पल याद रखिएगा, इन एग्जाम्पल से पिछले सालों में पूछा गया था। देखिए हमने आपको पहले बताया कि मॉर्फोलॉजी बहुत ईजी है अगर आपकी थ्योरी पढ़ना है, लेकिन अगर आप एग्जांपल्स पे जाओगे वहीं खो जाओगे, कौन सा प्लांट में क्या हो रहा है ये नहीं समझ आ रहा है, एग्जांपल्स धीरे धीरे मेरे साथ में रटते चलिएगा। तो पेंडेनस होता है स्क्रू पाइन प्लांट है, उसमें रूट कैप मल्टीपल मिल जाती है, ढेर सारी मिल जाती है। और जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना भैया, ये भैया हाइड्रोफाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोफाइट प्लांट्स में रूट कैप होती ही नहीं है। रूट कैप तो अभी बताया प्रोटेक्शन के लिए होती है, आप पानी में किससे प्रोटेक्शन, आराम से अपना टहल, लेकिन उसकी जगह पे आप क्या करते हैं पॉकेट होती है। ठीक है, जैसे मिस्टिया लिमना ये सब प्लांट्स के काम याद रखिए। हाँ, जो जो एग्जांपल हम यहाँ लिख रहे हैं उनको याद करिएगा, उनको भी पता है, एग्जाम लेने वालों को भी पता है कि बच्चे इनका नहीं याद कर सकते, तो वो सिर्फ इन एग्जाम्पल्स को ही फोकस करते हैं, पिछले सालों से नहीं देखते एंडोजीनस। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, लेटरल रूट की ओरिजिन कैसे, कहां से निकल रही है, एंडो अंदर से निकल रही है, लेटरल रूट का फॉर्मेशन कहां, रूट के देखो अंदर से शुरू होता है, अंदर से का मतलब क्या होगा, ये भी एनसीईआरटी में पॉइंट एनसीईआरटी में, मतलब फ्रॉम पेरेंट्स पेरिसाइकिल। आप अगर रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखो, एनाटॉमी पढ़ाएंगे, रूट के सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस, फिर अंदर वाला रीजन क्या कहलाता है कॉर्टेक्स, फिर उसके अंदर वाला रीजन क्या कहलाता है एपिडर्मिस हो गया एंडोडर्मिस, फिर उसके वाला रीजन क्या कहलाता है अंदर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल। तो रूट के लेटरल रूट कहां से मिल रही है, पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट हो रही है एंडोजिनस, यानी जो लेटरल रूट्स हैं इनकी ओरिजिन कैसी है एंडोजेनस, यानी रूट्स का फॉर्मेशन यहां से शुरू होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब अगर देखिए लेटरल शूट, अब यही मैं रूट के साथ में शूट भी लगा दिया ताकि याद रहे, लेटरल शूट्स की ओरिजिन एक्सोजेनस होती है, यानी वो एपिडर्मिस से बाहर से निकलती है। हां, रूट्स की बात करी जाए तो एंडोजेनस, शूट्स की बात करी जाए तो एक्सोजेनस। हाँ, ये पॉइंट दोनों
बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटरल रूट्स की ओरिजिन कैसी है, एंडोजेनस, लेटरल शूट की ओरिजिन कैसी है, एक्सोजेनस, ठीक है। जब इतना पॉइंट हो गया, अब आगे देखेंगे रूट के मॉडिफिकेशन क्या क्या है। देखो ये चैप्टर, अब ये चैप्टर में मॉडिफिकेशन ऑफ द पार्ट कट हो गया, ठीक है। जो नया सिलेबस आया है उसमें एनसीईआरटी से ही हटा दिया गया है, फिर भी हम थोड़ा बहुत बता देना है आपको। यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, देखिए टैप रूट का और एडवेंटिशियस के हमने अलग अलग पार्ट में पार्ट किया। टैप रूट के मॉडिफिकेशन को हमने फ्यूसी फॉर्म, कोनिकल, नैपी फॉर्म, ट्यूबरस और नोड्यूलेटेड में पार्ट किया। फ्यूसी फॉर्म में देखिए शेप जो होगा ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पतला होगा और बीच में मोटा हो जाएगा शेप, तो इसे कहेंगे रैडिश। ये किसके लिए होता है, फूड स्टोरेज, ये वाला पॉइंट किसके लिए हो गया, फूड स्टोरेज, यानी ये शेप रैडिश में फूड स्टोर होता है। कोनिकल, आप अगर देखें कि ऊपर की तरफ मोटा है और नीचे की तरफ पतला होता चला आ रहा है, तो ये कोनिकल शेप है, इसमें मिलेगा आपको कैरेट मिलेगा, ये फूड स्टोरेज के लिए होता है। नैपीफॉर्म, नैपीफॉर्म होता है वो किसमें होता है, टर्निप में मिल जाता है। तो टर्निप में मिल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि आपका ऊपर वाला एरिया कुछ ज्यादा ही मोटा है और गोल है, ठीक है, और नीचे कुछ ज्यादा ही पतला हो गया, तो ये टर्निप शेप हो गया, तो ये भी फूड स्टोरेज के लिए होता है, ठीक है, नैपीफॉर्म। ट्यूबरस यानी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे वो किसमें मिलेगा, मिराबिलिस शलाफा में मिल जाएगा, ये भी फूड स्टोरेज। नोड्यूलेटेड यानी गांठें, नोड्यूल्स मतलब क्या होता है, गांठें, छोटी छोटी गांठें हो जाती है, यानी कि इसमें ट्यूबर्स जो है वो ब्रांचेस के ऊपर गांठों के फॉर्म में बन जाएंगे। ये लेग्यूमिनस प्लांट जैसे ग्राम हो गया, पी हो गया, इसमें मिलेगा। और इसमें काम क्या होता है इसका, इसका काम देखिए इनसेल, ये चार के चारों फूड स्टोरेज के लिए बने, मॉडिफिकेशन क्यों आएगा, ये फूड स्टोरेज का। और ये भाई साहब नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाइड्रोजन फिक्सेशन हमने आपको बताया है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होती है, उससे बच उसको लेने के लिए प्लांट्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो गांठों में ही तो रहते हैं, वही प्रोड्यूस कराते हैं, तो ये जो रिलेटेड होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को रखते हैं। तो ये टैप रूट की मॉडिफिकेशन हो, अब एडवेंटिशियस के मॉडिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो नाम आता है यहाँ पे, राइजोबियम ये बैक्टीरिया है, ये इनकी नोड्यूल्स में बैठेगा, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोम, ठीक है, मॉड्यूलेटेड जो प्लांट्स होंगे उसमें ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोम। देखिए लेग्यूमिनस प्लांट यानी ये फैमिली कौन सी, लेग्यूमिनस फैमिली, हमने बताया फैमिली 14 होती है, उसमें से एक नाम है लेग्यूमिनोसी, ये कौन सी होती है, पल्सेस की फैमिली, यानी दालों की फैमिली पूरी क्या है, लेग्यूमिनस, जैसे चने की दाल हो गई, अरहर की दाल हो गई, मूंग हो गई, ये सारे नाम तुम्हारे किसमें आएंगे, लेग्यूमिनोसी में आएंगे। उसमें तुम्हारा बैक्टीरिया होगा कौन सा, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, ये सिम्बायोटिक करते हैं, एसोसिएशन करता है, सिम्बायोसिस करता है, सिम्बायोसिस में दोनों को फायदा, उसमें जाकर बैठ जाएगा, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देगा, उसको शेल्टर मिल जाएगा, उतना ठीक है। देखो हमने कहा पीछे बताया अभी हमने आपको कि रूट का मॉडिफिकेशन जो टैप रूट है उसका, अब यहाँ बात करें एडवेंटिशियस रूट्स की मॉडिफिकेशन। देखिए ड्रॉप रूट, ड्रॉप रूट अभी हमने आपको बताया था बनियन ट्री में, बनियन ट्री में जो होता है वहाँ पे तुम्हारे क्या होता है, रूट्स जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जमीन पर धंस जाती है, बनियन ट्री में। तो याद रखिएगा फाइकस जब नाम है, देखिए फाइकस और फ्यूकस में फर्क हो जाता है, फ्यूकस चले जाएंगे लोअर प्लांट्स, फाइकस आ जाएगा, फाइकस बैंगलेंसिस यानी बैनियन ट्री, जो बैनियन ट्री है इसमें रूट्स जो होती हैं वो आपके स्टेम से, ब्रांच से, कहीं से भी ऐसे लटकती हुई है और ये जमीन में घुस जाएंगे, इन्हें हैंगिंग रूट्स भी कह रहे हैं, ठीक है। ड्रॉप रूट पिलर लाइक रूट होती है और ये सपोर्ट करने के लिए होती है, कुछ दिन बाद जब ये जमीन में घुस जाएंगी तो कुछ दिन बाद ये मिनरल्स को भी नीचे से खींच खींच के प्लांट्स तक पहुँचाएंगे, बड़े हो जाते हैं ना प्लांट्स। स्टेट रूट, स्टेट रूट होती है शुगर केन में मिलेगी, और शुगर केन मेज स्क्रिपाइन का भी हमने नाम किया था मल्टीपल रूट क्या, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इनकी जो प्रोड्यूस होती है नीचे वाली रूट प्रोड्यूस यहाँ से रूट्स निकल के आती है, ये प्लांट को सपोर्ट करती है, जमीन में धस जाती है तो प्लांट क्या करेगी, सपोर्ट करें शुगर केन। तो ये भी बता चुके थे, क्या बताई थी हमने पिछले क्लास में,
स्ट्रिप ठीक है ये शुगर केन मेज और स्पाइन क्लियर क्लाइम भी हो चढ़ने में मदद करते हैं फूड से चढ़ने में मदद करते हैं पॉथस पॉथस जानते हो मनी प्लांट सुना है ना वही पॉथस उसमें देखने के लिए रूट्स मिलती है वो क्या करती है सपोर्ट के लिए होती है पकड़ लेती है चीज़ों को और उसको चढ़ते चले जाता है प्लांट पॉथस पेपर बीटल ये आपका वही अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रूट्स अगर आप देख रहे हैं ये बटरस रूट इन रूट्स को अगर आप देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है ऊपर तक उठ के आ रहे हैं बाहर निकल गए जमीन के बाहर निकल गए ऊपर उठ के जा रहे हैं ये बॉम्बेक्स में देखने को मिलती है बटरस रूट के नाते ठीक है चलो अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सकिंग रूट्स तो बॉम्बेक्स और क्यूकस में देखने को मिलेगी बटरस रूट इसके बाद सकिंग रूट्स सकिंग रूट्स क्या होती हैं कुछ पैरासिटिक प्लांट्स पैरासिटिक प्लांट का नाम क्या तो वीनस पैरासिटिक वो इंसेक्टिवोरस वीनस प्लांट का एक उदाहरण पैरासिटिक प्लांट 10th क्लास पढ़ा था कस्किप्टा अमरबेल जो होती है पैरासिटिक प्लांट होता है ये पैरासिटिक प्लांट क्या करते हैं किसी भी दूसरे प्लांट के ऊपर चले जाएंगे अपने रूट उसमें घुस जाते हैं अब वो रूट्स उसका खाना सक करती है तो उसमें सकिंग रूट्स होती है हॉस्टोरिया बोलते हैं उसे ठीक है सकिंग रूट्स या हॉस्टोरिया ये तो मैं किसमें मिलेगी कस्किप्टा में ये पैरासिटिक प्लांट है किसी के ऊपर रह के उससे खाना हाँ होस्ट के एपिफिटिक एपिफाइटिक एपिफाइटिक प्लांट होते हैं ये भी रहते तो दूसरे के ऊपर है लटके रहते हैं लटके रहे उसके किस दूसरे प्लांट के ऊपर लटकता है ये भी उसके खाने पे से छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो एपिफाइटिक उसके ऊपर रहता है हाँ ऊपर से भी नीचे जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएंगे जो ऊपर मिले तो उसके ऊपर जो है चले जाते हैं आप देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स ऊपर बेले लटके रहते हैं तो एपिफाइटिक और उनकी जो रूट्स होती है वैसे होती है हाइग्रोस्कोपिक उनकी रूट्स कैसे होती है हाइग्रोस्कोपिक हमने पिछली बार प्लांट किंगडम में बता चुके हाइग्रोस्कोपिक का मतलब कौन है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं यानी हवा से वो मॉइस्चर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट्स इन रूट्स का दूसरा इसमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जिससे ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे उस स्ट्रक्चर कहते हैं पैलामेन इस स्ट्रक्चर क्या कहते हैं पैलामेन देखो जो जो पॉइंट पूछे गए सब मुक्ति बात करते हैं उसके अलावा एक अच्छी बात नहीं करें बताइए ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में लेकिन अब चूंकि सिलेबस से हटा दिए गए पता नहीं भाई वो क्या पूछ रहे हैं भाग हो चुके हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा बुक से काट दिया अभी तक नीट का उन्होंने सिलेबस दिया नहीं सिंघाड़े का जो प्लांट होता है वो पानी में तैर रहा है और उसका हरे रंग के रूट्स क्या करना है फोटो सिंथेसिस करके ऐसे रूट्स क्या कहेंगे एसिमिलेट ये सब जो है एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जांपल है रिप्रोडक्टिव हमने कहा था रूट्स से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है तो रिप्रोडक्टिव रूट्स हैं जैसे स्वीट पोटैटो शकरकंद में आपको देखने को मिलता है यहाँ क्या हो रहा है रिप्रोडक्शन हो रहा है ठीक है इसके अलावा अगर बात करी जाए आप यहाँ तक तो बात हो गई कुछ रूट्स होती है माइकोराइजर रूट्स माइकोराइजर क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड हायर प्लांट्स रूट्स हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप माइनस में देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिलता है बताया था जिम्नोस्पर्म अगर फंगस रूट्स के ऊपर है तो क्या करेगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर करके देगा माइनस के तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि डेवलप ही नहीं जिम्नोस्पर्म में किसी भी ऐसे हैं जो बिना माइक्रोराइजर एसोसिएशन के डेवलप ही नहीं होते सीड से प्लांट बनेगा ही नहीं जब तक माइक्रोराइजर नहीं है अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट दो पॉइंट लिखे हुए हैं इनको बहुत गौर से समझिए इसके बाद एक पॉइंट और बताएंगे बस ये रूट का सिस्टम होता है प्लांट्स दैट ऑल रूट्स यानी ऐसा प्लांट जिसमें पूरा प्लांट ही क्या है रूट है वो है पोडेस्टियम नाम याद रखिएगा पोडेस्टिमोन जो है ये एक ऐसा प्लांट है जो क्या है पूरा रूट है और रूटलेस प्लांट अरे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका रूट ही नहीं होती यानी मिनरल्स वगैरह जो है उनके स्टेम से ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं दूसरे पार्ट से एब्जॉर्ब वो कौन कौन से जैसे वॉल्फिया देखिए रेफ्लिसिया सबसे बड़ा फ्लावर होता है रेफ्लिसिया का फ्लावर सबसे बड़ा होता है करीब 2 मीटर लंबा फ्लावर है और 6 फीट ऊंचाई की लटका
लेकिन वॉल्फिया का फ्लावर सबसे छोटा होता है, ये भी याद रखिए, ये एक एंजियोस्पर्म है और स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वॉल्फिया। आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है, आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है वॉल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, ठीक है, ये यूटिलस है, यानी इसमें कोई वॉल्फिया नहीं है। यूट्रिकुलेरिया, ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यूट्रिकुलेरिया। इसके अलावा क्रायोफिल्लम, माइरोफिल्लम, ये सब एक्वाटिक प्लांट, ये सब कैसे हैं, ये सब एक्वाटिक प्लांट है और इनमें रूट्स नहीं मिलेगी, इनमें रूट्स नहीं मिलती हैं। और कस्ट्यूटा में भी तो रूट नहीं मिल रही है, कस्ट्यूटा में रूट कहाँ मिल रही है, रूट तो मॉडिफाई हो गई, वो तो सकिंग पार्ट है। तो ये एक्वाटिक में अगर कोई पूछे कोई एक्वाटिक प्लांट जो रूटलेस है तो वो इतने, कोई टेरेस्ट्रियल प्लांट जो रूटलेस है तो ये, समझ में आएगा। फिर इसके अलावा रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी पता आपको बताया था कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो तुम्हारे ऐसी जगहों पे हैं जहां वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो चुकी है, वहां क्या होता है, वहां रूट्स जो होती हैं वो जमीन से निकल के ऊपर की तरफ आ जाती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स एग्जांपल है राइजोफोरा, राइजोफोरा। अगर आप यहां देखें और पीछे देखें राइजोबियम तो कंफ्यूजन हो जाता है, सही आती है कि ये राइजोफोरा प्लांट है, इसमें न्यूमेटोफोर्स मिलते हैं और यहां पे इसमें छोटे छोटे फोर्स मिल रहे हैं जो क्या करेंगे, ऑक्सीजन वगैरह को अंदर में यहां से इसमें ऑक्सीजन कर देंगे, रूट्स का पूरा सिस्टम यहां पे खत्म हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेम, देखिए अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे इसकी स्टेम पर। अब हमारी बात किस पे हो रही है, स्टेम पे हो रही है। ये स्टेम क्या होता है, देखिए जैसे कि हमने रूट में आपको बताया कि रूट वो पार्ट है जो सीड के रेडिकल से डेवलप होता है, है ना, इसके तो आपने देखे ही, स्टेम वो पार्ट है जो प्लूरियो से डेवलप होता है। सीड में अगर एम्ब्रियो के प्लूरियो से जो चीज डेवलप हो रही है उसे क्या कहते हैं, स्टेम। स्टेम के बहुत सारे मॉडिफिकेशन, जैसे बर्ड्स होती है वो स्टेम ही होती है, जो बर्ड्स हैं वो स्टेम ही, ठीक है, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, ये सब जो है क्या, ये स्टेम ही है। लेकिन छोड़ो उसको, अभी हम स्टेम के बारे में दो चार बातें करें। देखिए रूट और स्टेम में डिफरेंस पूछ रहे हैं, रूट और स्टेम में डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो रूट जो होती है उसमें तुम्हें और साफ साफ बेसिक डिफरेंस बता दें, रूट में तुम्हें नोड्स और इंटर नोड्स नहीं मिलेंगे। स्टेम में तुमने अगर देखा, अभी बताया शुगर केन में तुमने स्टेम देखा, तो शुगर केन में जो ये गांठें मिलती हैं इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, नोड्स। ये स्ट्रक्चर क्या होगा, नोड्स, और इनके बीच जो स्पेस है, इनके बीच जो स्पेस है इसे क्या कहते हैं, इंटर। तो नोड और इंटर नोड जहां मिलेंगे वो कौन से पार्ट होगा प्लांट का, स्टेम। अब आप ये पता लगा सकते हो कि साहब स्टेम है कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने जैसे अक्सर लोग कहते हैं आलू पोटैटो, ये जो होता है ये स्टेम है कि नहीं, कैसे पता लगे, इंटर नोड्स और नोड्स नहीं है तो आप नोड्स और इंटर नोड्स चेक करो ना, जिंजर अदरक स्टेम है कि नहीं, यस, आप नोड और इंटर नोड चेक करो ना। देखो आप अगर आलू को देखते हो तो आलू में बर्ड्स निकलती है, ग्रीन कलर की छोटी छोटी बर्ड्स होती है, जिन्हें आई कहते हैं, ये एक्सिलरी बर्ड्स होती है, कौन सी बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड्स। अब अगर इनको चेक करो तो क्या होता है, ये बर्ड्स जहां से आ रहे नोड से हमारे क्या क्या चीजें निकल सकती है, ब्रांचेस निकल सकती है, बर्ड्स निकल सकती है और लीव्स निकल सकती है, ठीक है, तो लीफ रूट, रूट भी निकल सकती है यहां से, एडवेंटिशियस रूट्स भी निकल सकती है। वो पार्ट क्या कहला रहा है, वो पार्ट कहला रहे हैं तुम्हारे क्या, नोड।
तो यहाँ ये बर्ड निकल रही तो ये एक नोड हो गया, यहाँ ये बर्ड निकल रही तो ये एक नोड हो गया, ऐसे यहाँ एक बर्ड निकल रही तो ये एक नोड हो गया, और नोड्स के बीच की दूरी इंटर नोड, तो नोड इंटर नोड मिल तो रहा है, तो पोटैटो क्या है? स्टेम है। समझ में आई बात? चले बोलो। अब स्टेम के कुछ मॉडिफिकेशंस है, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम, दो दो मिनट में निपटा देंगे, दो दो मिनट, ज्यादा लेंथ की बात नहीं, सिर्फ दो दो मिनट की, ठीक है। तो देखो मॉडिफिकेशन हमने बताया तीन तरीके से, एरियल, सब एरियल और अंडरग्राउंड। पहले अंडरग्राउंड स्टेम पे मॉडिफिकेशन करते हैं। स्टेम मॉडिफाई होता है अंडरग्राउंड, अंदर ही अंदर मॉडिफाई, जमीन के अंदर, तो उसमें राइजोम आता है। पहला टर्म क्या आता है? राइजोम। राइजोम होता है ये हॉरिजॉन्टली चलता है, जैसे आपने अदरक वगैरह देखी है, तो अदरक वगैरह में आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको जो ब्राउन ब्राउन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, तो ये लीव्स होती है, क्या कहते हैं? स्केल लीव्स कहते हैं, स्केल लीव्स कहते हैं, अदरक जिंजर जो कि टर्मरिक हो गया, और ये यूजुअली हॉरिजॉन्टल है, ऐसे चलता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आता है ट्यूबर, ट्यूबर जो होता है पोटैटो, सॉलन फूला हुआ सॉलन, ठीक है, पोटैटो, ये भी फूड स्टोरेज के लिए, ये भी फूड स्टोरेज के लिए। कॉर्क, कॉर्क जो होता है कोलोकेशिया हो गया, आपने वो देखा होगा, भुइयां, भुइयां देखी, अरबी भुइयां, कोलोकेशिया देखा, इसके बड़े भाई अगर आप देखें तो उसमें क्या होता है, इन्हीं के बड़े भाई भुइयां के बड़े भाई, भुइयां जमीन को होती है उसी के जैसा एक बड़ा भाई उसका होता है, इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है कोलोकेशिया को भी, तो उसमें क्या होता है, उसका डायमीटर ज्यादा होता है देन लेंथ, उसका डायमीटर ज्यादा है उसकी लेंथ का, ठीक है। तो वो कॉर्क, तो उस स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, कॉर्क, ऐसे ही बल्ब होता है। आपने अनियन देखा, जिंजर देखा है, अनियन देखो, अनियन जब आप देखते हो तो अनियन क्या होता है, आपका यहाँ पे ये जो जिसे आप काट के फेंक देते हो, चीला होता है इसे काट के देते हो, और ऊपर जो होता है यहाँ पे ये फ्लैशी स्ट्रक्चर है, ये लीव्स, कैसी लीव्स हैं, ये फ्लैशी लीव्स, ये खाना पकता है, पानी स्टोर कर उसमें खाना के, अनियन अंडरग्राउंड है और ये बल्ब शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका जो स्टेम है ये क्या है, ये डिस्क शेप स्टेम, ये क्या है, डिस्क शेप स्टेम, दिस शेप स्टेम, समझ में आएगा, दिस शेप स्टेम है अनियन, क्लियर हो गया। ये तो तुम्हारे थे अंडरग्राउंड के बारे में, अब बात करेंगे सब एरियल और एरियल। देख अब हम लोग मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, सब एरियल यानी जमीन से बाहर भी निकलेगा और अंदर भी जाएगा, जमीन के अंदर भी रहेगा स्टेम और जमीन के बाहर भी रहेगा। देख रनर, रनर जैसे धूप घास होती है, आप जब घास को अपनी लॉन में जो लॉन घास होती है उसको कभी खींचा है, खींचा तो क्या होता है, वो खींचती चली आ रही होती है, जैसे बाहर बहुत धूप तक चली जाती है, होता है तो क्या है, वो धूप घास है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे रूट्स निकली, ये ऊपर गया, फिर ये जमीन से छूटे छूटे
ये स्टेप, वन इंटर नोड लॉक, बस एक इंटर नोड है, यानी दो नोड हो गए, एक ये एक ये, और बाकी क्या है इंटर नोड। तो अगर वन इंटर नोड लॉक है तो ऑफसेट है, एग्जांपल पिस्टिया या इकोर्सिया देखने को मिला। अब क्या करेंगे, एरियल मॉडिफिकेशन। देख एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल यानी जो जमीन के ऊपर ही रहेंगे उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है, इससे देखिए स्टेम टेंडल्स, स्टेम टेंडल जो होते हैं छिल्ले होते हैं, जैसे आपने कद्दू की बेल देखी, कद्दू की बेल पर छिल्ले रहते हैं, तो स्टेम के क्या है टेंडल्स है, ऊपर से काटते हैं। स्टेम थॉर्न, स्टेम किस में मॉडिफाई हो गए, थॉर्न यानी कांटो को नोट, देखिए टेंडल में क्या छिल्ले हो गए इस तरीके से, ये राटे हो गए। सिप्रस और बोगेनवेलिया में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, बेल में भी आपको देखने को मिलते हैं। फिलो प्लेट और क्लैडवर्ट, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, फिलो प्लेट और क्लैडवर्ट। आपने पपुंचिया देखी, कैक्टस देखा, कैक्टस में अगर आप देखें तो आपको उसका मेन स्टेम कुछ इस तरीके से दिखता है, ये फ्लैट है, और इससे निकलता हुआ एक और स्टेम ऐसे दिख रहा है, इससे निकलता हुआ एक और स्टेम दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, और इन सब पे कांटे लगे, इन सब पे कांटे लगे। तो ये जो कांटे हैं ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये तो लीफ का मॉडिफिकेशन, और ये स्टेम कैसा हो गया, ये ग्रीन कलर का स्टेम फोटोसिंथेसिस। अगर ये कई इंटर नोड इसमें मिलती चली जा रही है तब से कहते हैं फिलो प्लेट हैविंग सेवरल इंटर नोड, एग्जांपल है ओपुंचिया, कई इंटर नोड देखने को मिलेंगे, तो क्या है आपका फिलो प्लेट। अब पीछे यहां जाके देखोगे तो रखा हुआ है स्ट्रक्चर दिखेगा, वहां सिर्फ एक ही इंटर नोड और काटे काटे जैसे कर बोल रहा है स्ट्रक्चर, इसको काटे काटे तो स्टेम क्या हो गया, ये आपके मॉडिफिकेशन का बोल रहा, जब बहुत सूखा पड़ रहा है डेजर्ट वाले इलाके, हाँ यहाँ पीछे रखा हुआ है देखा होगा आपने, तो ये डेजर्ट वाले इलाके हैं, ये दोनों मॉडिफिकेशन तभी हो रहे हैं जब डेजर्ट, लेकिन अगर इंटर नोड लॉन्ग होती चली जा रही है तब से हमने क्या था फिलो प्लेट एग्जाम्पल आया और पुंछिया, लेकिन अगर एक ही इंटर नोड है, सिर्फ एक इंटर नोड है जो बोल कर बना के, तब से क्या कहते हैं एस्परेगस, और ये क्या कहलाएगा क्लैडो, ये मॉडिफिकेशन क्या कहलाएगा क्लैडो। तो इस पार्ट में हम लोगों ने रूट और स्टेम के बारे में पूरा पढ़ा, उसके मॉडिफिकेशन पूरे पढ़े, हालांकि नीट में अब मॉडिफिकेशंस हो सकता है कि 25 तक गायब हो जाए, आपको देखिए 24 में हो सकता है दिखाए, लेकिन 25 में पूरी तरह से गायब हो जाए मॉडिफिकेशंस देखने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों से ये गायब कर दिए हैं, ठीक। अब लीफ पढ़ेंगे, लेकिन लीफ पे थोड़ा बहुत उसमें बातें करी हुई है, मॉडिफिकेशन उसमें भी नहीं है, लीफ के लिए भी बातें ज़्यादा हैं, तो अब इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग लीफ के बारे में बात करेंगे और फ्लावर के इंफ्लोरेसेंस के बारे में बात करेंगे। चलिए तो आज के लिए हमसे नहीं क्या हमसे